हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। निसर्ग तूफान, मुंबई में प्रशासन अलर्ट, महाराष्ट्र में धारा 144 लागू। तेज हवा और बारिश ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी में दस्तक दी। हवा की रफ्तार 59 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई है। साइक्लोन निसर्ग बुधवार दोपहर से शाम तक मुंबई में करीब 94 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अलीबाग से टकरा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार निसर्ग तूफान गंभीर चक्रवाती तूफान बन गया है। यह अभी मुंबई से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। पिछले एक घंटे में 85 से 95 किलोमीटर से बढ़कर 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। मुंबई में तूफान के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी गई है और लोगों से घर के अंदर रहने की अपील की गई है। मुंबई में वर्सोवा बीच पर तेज हवा और तेज ज्वार ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने कहा कि साइक्लोन निसर्ग दोपहर 1 से 3 बजे के बीच अलीबाग रायगढ़ के दक्षिण में पार करने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार साइक्लोन अलीबाग के दक्षिण के पास से 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गुजरेगा और इस दौरान 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हवा चलेंगी। महाराष्ट्र के समुद्र तटों से लगते इलाकों से करीब 40,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। मुंबई के विभिन्न स्थानों पर एनडीआरएफ की 8 और नेवी की 5 यूनिट को तैनात किया गया है। एनडीआरएफ की एक एक टीम कोलाबा, वर्ली, बांद्रा, मालाड और बोरीवली में, जबकि 3 टीमें अंधेरी वेस्ट में तैनात हैं। तूफान के मद्देनजर वर्सोवा में एनडीआरएफ की टीम बीएमसी के साथ मिलकर लोगों को दूसरी जगह पहुंचाने का काम कर रही है। साइक्लोन निसर्ग के दोपहर में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग पहुंचने के पहले मध्य रेलवे ने मुंबई से कुछ ट्रेनों के मार्गों को बदला है और कुछ के समय में परिवर्तन किया है। मध्य रेलवे ने कहा कि मुंबई से चलने वाली 5 विशेष ट्रेनों का समय बदला गया है और 3 विशेष ट्रेनों का मार्ग को बदला जाएगा। महाराष्ट्र के रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और पालघर में 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। गुजरात के नवसारी और वलसाड़ में 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलने की संभावना है। रात तक तूफान कमजोर हो जाएगा। देश में कोरोना महामारी की सबसे बुरी मार झेल रहे महाराष्ट्र और अब चक्रवाती तूफान निसर्ग का खतरा मंडरा रहा है। इसे देखते हुए महाराष्ट्र स्थित बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में MMRDA ग्राउंड पर बिना कोविड अस्पताल खाली करा दिया गया है। मंगलवार को यहां भर्ती 150 मरीजों को वर्ली कोरोना केयर सेंटर ले जाया गया। मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ने खुले मैदान में तंबू डालकर कोविड ओपन अस्पताल बनाया था। वहीं तूफान से निपटने के लिए महाराष्ट्र आपदा प्रतिक्रिया बल ने महाराष्ट्र और गुजरात में एहतियातन 33 टीमों को तैनात किया है। मुंबई के पुलिस आयुक्त कार्यालय ने निसर्ग साइक्लोन के मद्देनजर कहा, शहर में साइक्लोन स्थितियों को देखते हुए CRPC की धारा 144 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं ताकि लोगों के जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा का कोई खतरा ना हो। वहीं ब्रुवन मुंबई नगर पालिका ने कहा, ये जरूरी है कि आप भारी बारिश के दौरान अपने घर के अंदर रहें, लेकिन यदि कुछ कारणों की वजह से आपको अपनी कार चलाने की आवश्यकता पड़ती है तो कृपया से निश्चित करें कि आप हथौड़ा या ऐसी वस्तुओं को साथ लेकर जाएं जो आपकी कार के दरवाजों के जाम होने की स्थिति में कांच को तोड़ने में आपकी मदद कर सकती है। जागरूक टीवी की खास रिपोर्ट।